हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं आपके बाइक अपाची के लिए टायर। तो आपके बाइक अपाची के लिए टायर दिखाएंगे, दो कंपनी का टायर दिखाएंगे, एक MRF का टायर दिखाएंगे और एक TVS का टायर दिखाएंगे। तो कौन सा टायर आपके अपाची के लिए बेस्ट होगा, TVS का टायर बेस्ट होगा या MRF का टायर बेस्ट होगा, और कौन टायर में कितने साल का वारंटी आता है और कितना 1000 किलोमीटर तक टायर चल जाएगा और कैसा ग्रिप होगा और कैसा परफॉर्मेंस देगा टायर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो में डिटेल्स में सब बताने वाले हैं टायर के बारे में। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम इस चैनल में छोटे बड़े सभी गाड़ियों के टायर से रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं अपाची का टायर। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखा देते हैं आपको अपाची बाइक के लिए टायर। तो दो टायर यहाँ पर है, एक MRF का टायर है और एक TVS का टायर है। ये TVS का टायर है जो बाइक आपके अपाची बाइक में लगा हुआ आता है कंपनी की तरफ से, वही सेम पैटर्न है और सेम टायर है। तो ये टायर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं जो आपके कंपनी से फिट किया हुआ आता है अपाची में। तो ये टायर में सबसे पहले आपको TVS का लोगो दिखा देते हैं। यहाँ पर लोगो है TVS का, वो दिख रहा होगा। TVS येरो ग्रिप के नाम से ये टायर आता है। अभी पहले TVS टायर्स लिखा हुआ था, अभी TVS एरो ग्रिप के नाम से आता है ये टायर। थोड़ा लोगो चेंज कर दिया है पहले से। तो उसके बाद इसका पैटर्न का नाम कुछ इस तरीका से है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेमोरा। रेमोरा के नाम से आता है ये टायर। तो TVS कंपनी में ये टायर बनता ही है और रेमोरा पैटर्न का नाम है इसका। तो इसका साइज़ भी आपको दिखा देते हैं, कौन सा साइज़ लगता है अपाची में आपका। 110/80/17 का साइज लगता है अपाची में। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से है, अच्छा खासा ग्रिप देता है TVS टायर में। और जितना भी TVS का अपाची न्यू गाड़ी शोरूम से निकलता है तो यही टायर लग के ही आता है। तो ये टायर तो आपको दिखा दिए, अब देख लीजिए MRF का टायर। तो ये टायर है आपका, यहाँ देख लीजिए लोगो MRF का। MRF का लोगो दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद इसका टायर का ये नाम से आता है ये टायर MRF का, नायलॉन ग्रिप जेपर सी के नाम से आता है ये टायर MRF कंपनी में। और इसका साइज़ भी आप लोगों को दिखा देते हैं MRF कंपनी का टायर का है। ये साइज़ है 110/80/17 का टायर है ये, और इसका ग्रिप कुछ इस तरीका से है। बहुत खूबसूरत टायर होता है ये, और टायर से जैसे TVS का टायर थोड़ा इतना ग्रिप नहीं होता जितना MRF का टायर में ग्रिप होता है। और दोनों टायर तो आपको दिखा ही दिए, तो दोनों ही टायर में आपको गारंटी मिल जाता है, फाइव ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिल जाता है। 5 साल के अंदर अगर आपका टायर कहीं से फुल फाल जाए, एयर ले ले, तो टायर आपको चेंज कर देगा कंपनी। और दूसरी बात ये कि आपको TVS में एक्स्ट्रा वारंटी है 3 साल का। फाइव ईयर है मैनुफैक्चरिंग वारंटी, और उसके बाद 3 ईयर है अनकंडीशन वारंटी। मतलब है कि 3 साल के अंदर अगर आधा गोटी घिसने से पहले अगर आपका टायर कट जाता है, फट जाता है, टायर रिपेयर करने के लायक नहीं है, तो टायर आप चेंज करवा सकते हैं कंपनी से। आपको कंपनी टायर क्लेम करके दे देगा दूसरा टायर आपको। बाकी जितना गोटी आपका घिसेगा उतना थोड़ा पैसा लगेगा, उसके बाद नया टायर दे देगा कंपनी। तो TVS का टायर आपको अनकंडीशन गारंटी मिल जाता है, और MRF में आपको अनकंडीशन गारंटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होता है। कहीं से फुल फाल जाए तो टायर चेंज करके दे सकता है कंपनी। तो इसका ग्रिप की बात की जाए तो ग्रिप जो है आपको TVS से कहीं बेहतर आपको MRF वाला टायर ग्रिप देगा, क्योंकि आपको ऐसे ही दिख रहा है कि टायर में कौन सा ग्रिप ज़्यादा है। इसका पैटर्न सबसे हेवी पैटर्न है MRF का। तो हम तो कहेंगे कि आप अगर अपना अपाची में अगर टायर लगवाना चाहते हैं तो आप MRF का टायर लगवाइए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर कम रेंज में जाना चाहते हैं, आप अगर सस्ता में टायर खोजते हैं बढ़िया, तो TVS भी बढ़िया है। लेकिन अगर आप अच्छा से अच्छा टायर अगर अपना अपाची में लगवाना चाहते हैं तो MRF का टायर लगवाइए, क्योंकि गाड़ी अगर आपका कम चलता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलता है डेली का, तो आप TVS भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी आपका अच्छा खासा चल जाता है, 50 से 100 किलोमीटर डेली चलना होता है, तो आप MRF भी लगवाइए, क्योंकि आपको ये टायर जो है आपको 30,000 से 40,000 किलोमीटर तक टायर चल जाएगा। और ये टायर जो आपको 25 से 30,000 किलोमीटर तक ही चल पाएगा। 30,000 किलोमीटर के टायर आप 30,000 किलोमीटर चलने के बाद आपको टायर चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो होता है रबर क्वालिटी उतना हार्ड नहीं होता है। ये हार्ड कंपाउंड का बना हुआ होता है MRF का टायर,
इसका टायर जो है ना रोड पे घिसता कम है और ग्रिप भी अच्छा खासा होगा, इससे बढ़िया ही ग्रिप होगा इसमें। तो हम कहेंगे कि अगर आप बढ़िया टायर खोजते हैं तो MRF का लगवाइए, अगर आप कम कॉस्ट में खोजते हैं तो ये टायर लगवाइए। और हम एक चीज़ और बता देते हैं, ये दोनों का रेट भी बता देते हैं आपको। तो ये टायर जो है आपको मार्केट में 1800 से 1900 के बीच में ये टायर मिल जाएगा आपको, TVS का टायर। और ये टायर जो है MRF का टायर 1900 से 2100 के बीच में आपको MRF का टायर मिल जाएगा, 1900 से 2100 के बीच में। मार्केट के हिसाब से कहीं पे 150 ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन फाइनली इसका रेट है 1900 और इसका रेट है 1800 या 1900, ऐसे ही इसका रेट है, और 1900 से 2100 इसका रेट है। तो आप दोनों में से कोई टायर अपना परचेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, कौन सा टायर आपको लगवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।